हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जॉब अपडेट है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। ओके, इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है 26/11/2023 को इसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। अगर हम बात करें कि प्रारंभिक परीक्षा की तिथि क्या है, तो 11/2/2024 से 10 से लेके 12 के बीच में एंड आफ्टरनून में 3 से 5 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर हम मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि के बारे में बात करें तो 13, 14, 15 एवं 16 जून 2024 को आपका एग्जाम होगा। एंड इसके जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि स्टार्ट हो रही है वो 1/12/2023 से लेके 30/12/2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए बात करें तो ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1/12/2023 एंड 30/12/2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो 31/12/2023 से 1/1/2024 तक आप करेक्शन करवा सकते हैं। अगर हम टोटल यहाँ पे बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई हुई है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है वो 242 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ, जैसे कि 94, 35, 83 एंड 30 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है। इसमें आपकी क्या पद का नाम तथा विभाग का नाम भी यहाँ पे शो करवाया हुआ है, कि जैसे कि राज्य प्रशासनिक सेवा हो गया उप जिला अध्यक्ष के लिए। ओके, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा और हम देख लेते हैं यहाँ पे कि परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र क्या, जैसे कि रायपुर में आपका एग्जाम होगा, रायपुर हो गया, राजनांदगांव, बीजापुर। ओके, तो ये आपके क्या है एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम और देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। ओके, जैसे अगर हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्या एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी, पेपर 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, इसमें 2 घंटे का आपका क्या एग्जाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा इसमें। अगर हम यहाँ पे प्रथम पेपर के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, मैक्सिमम मार्क्स 200 एंड टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का रहेगा एंड इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 की रहेगी। अगर हम सेकंड पेपर के बारे में बात करें तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का एंड टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। ओके, और इसमें इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा आपका, न्यूनतम आहर 33 मार्क्स आपको, मतलब कि पासिंग मार्क्स के बारे में बात करें। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार, ये आपके इंटरव्यू के बारे में बात करें, जैसे कि आपका प्रश्न पत्र 1 ये 3 घंटे का होगा एंड जो कुल मार्क्स रहेंगे वो 200, प्रश्न पत्र 2 निबंध 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन एंड जो मार्क्स रहेंगे वो 200, प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन 1 एंड टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का एंड मैक्सिमम मार्क्स 200, प्रश्न पत्र 4 सामान्य अध्ययन 2 टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का और मार्क्स आपके 200, प्रश्न पत्र 5 सामान्य अध्ययन 3 टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का और मार्क्स कितने 200, प्रश्न पत्र 6 सामान्य अध्ययन 4 टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स 200, सामान्य अध्ययन 5 टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का और मार्क्स कितना 200, तो टोटल कितना आ जाएगा 1400, टोटल मार्क्स कितने 1400। जो साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण है वो कितने का 100 का होगा, तो टोटल आपका 1500 का आपका क्या एग्जाम होने वाला है, टोटल 1500 का। ओके, अगर हम एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात करें, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, तो हमने देखिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के बारे में बात की, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बारे में देखा। ओके, आगे हम देख लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे टोटल डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हुई है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, और भी अगर आप लोगों को डाउट आता है तो डाउट में अपने अपने डाउट्स को आप क्लियर कर लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना।